नमस्कार, मैं हूँ दीप और आप देख रहे हैं क्रिकेट स्पोर्ट्स न्यूज। आइए शुरू करते हैं क्रिकेट की खबर। आईपीएल में हार्दिक पांड्या की कप्तानी हुई फेल। आईपीएल 2024 सबसे ज्यादा रन सबसे ज्यादा नुकसान। मी और एसआरएच के बीच रिकॉर्ड तोड़ मैच में बीती रात क्या क्या हुआ। एसआरएच वीज मी हाइलाइट्स। T20 क्रिकेट तो बल्लेबाजों का ही खेल माना जाता है, लेकिन जब दुनिया के धाकड़ बल्लेबाज एक दूसरे के खिलाफ किसी पाटा पिच पर टकराते हैं तो रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। ऐसी ही कुछ बीती रात राजीव गांधी स्टेडियम में देखने को मिला। हैदराबाद राजीव गांधी स्टेडियम में बीती रात आईपीएल इतिहास का एक ऐसा मैच खेला गया जिसने रिकॉर्ड बुक तहस नहस करके रख दिया। सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच हुए मुकाबलों में सोनी की ऐसी चुड़ैल लगी कि टूर्नामेंट के इतिहास के कई रिकॉर्ड एक ही दिन में टूट गए। इस ब्लॉकबस्टर मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद ने अपने 3 बल्लेबाजों की तूफानी पारी की खराब 3 विकेट के नुकसान पर 277 समग्र टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया। जवाब में मुंबई के बल्लेबाजों ने भी पूरा दम दिखाते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 246 रन बनाए, लेकिन जीत से 31 रन पीछे रह गए। मैच में कुल 523 रन और 38 छक्के, दोनों टीमों का साझा स्कोर 40 ओवर में 523 रन रहा। आईपीएल में पहली बार किसी मैच में 500 से ज्यादा का साझा टोटल बना है, जबकि इस दौरान दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने कुल 38 सिक्स जड़कर दर्शकों का फुल पैसा वसूल किया। हैदराबाद के लिए दो बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा 23 बॉल में 63 रन और ट्रेविस हेड 24 बॉल में 62 रन ने बल्ले से बवंडर लाया, जिसके बाद सारी कसर पूरी कर दी साउथ अफ्रीकी तूफान हेनरिक क्लासेन 34 बॉल पर 80 रन 4 चौका 7 छक्का ने। मुंबई के लिए तिलक वर्मा ने 34 बॉल में 64 रन बनाए, जबकि टिम डेविड ने 42 और ईशान किशन ने 34 रन का योगदान दिया। आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर। अपने बल्लेबाजों के अद्भुत प्रदर्शन के बूते सनराइजर्स हैदराबाद ने 3 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए। हैदराबाद ने साल 2013 में रॉयल चैलेंजर्स द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड 263/5 को तोड़ा। ऑस्ट्रेलिया को पिछले साल वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में चैंपियन बनाने वाले हेड ने बतौर ओपनर सिर्फ 18 गेंदों पर 50 जड़ी, तो वह आईपीएल में सनराइजर्स के लिए सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। हालांकि उनका ये रिकॉर्ड थोड़ी देर भी नहीं ठहर पाया और अभिषेक ने सिर्फ 16 गेंदों पर 50 जड़कर मुंबई के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ दी। हेड ने अपनी पारी में 9 चौका और 3 छक्का जड़े, तो वहीं अभिषेक ने कहीं ज्यादा कहर बरपाते हुए 3 चौका और 7 शानदार छक्का लगाए। हेनरिक क्लासेन का कहरनों की बौछार का सिलसिला यहीं नहीं थमा। इसके बाद 5वें नंबर पर आए साउथ अफ्रीकी बैटर क्लासेन ने भी 23 गेंद पर अर्धशतक बनाकर बड़ी पारी खेलते हुए हैदराबाद को विशाल स्कोर पर पहुंचाया। क्लासेन ने एक अन्य साउथ अफ्रीकी एडेन माकराम 42 रन 28 गेंद 2 चौका 1 छक्का के साथ चौथे विकेट के लिए 54 गेंद में 116 रन जोड़े। हैदराबाद ने हेड और अभिषेक के तूफानी अंदाज की बदौलत 7वें ओवर में ही 100 रनों का आंकड़ा पार कर लिया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। जय क्रिकेट।